गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ओवरऑल गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो हो गया, अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 15 बाल महाभारत से 64 का खेल में द्रौपदी की व्यथा। कंटिन्यू प्रोसेस लगातार चल रहा है आपका कहानी को आगे बढ़ाते हुए। चौसर का खेल बैठा बैठा मतलब दुख दर्द। धृतराष्ट्र की बात मानकर सर व्यथा यानी हालत ना क्या सर व्यथा यानी हालत बैठा मतलब दुख परेशानी। ओके सर। सर इससे पहले वाले पार्ट में 3 ही क्वेश्चन थे। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठे हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। मंडप मतलब मंच एक चीज होती है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां जाओ, उस मंडप को देखो और दो हाथ चौसर की खेल आओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है, बुरा होता है। चौसर मतलब जुए का खेल है, दूत कीड़ा कहते हैं इसे, जुए का खेल। मैंने तो अच्छा कोशिश की थी कि इसे ना ना होने दूं, किंतु राजा ने आज्ञा दी कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बढ़ावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को भी दुर्गार अपना अपमान ना समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था, युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास विश्राम गृह बना था, वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो हाथ खेल लें। हेडलाइन युधिष्ठिर बोले, राजन यह खेल ठीक नहीं है, कभी जीत लेना साहस का काम नहीं है, युवा खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है। हाँ यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर को गर्म होकर बोले, राजन ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मेरे साथ खेलेगा कौन? युधिष्ठिर तुरंत बोला, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दाव लगाने के लिए जो धन रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए,
यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा तो अब दूसरा बहाना बना लिया। शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण भीष्म कृपाचार्य विदुर धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी फिर सोने चांदी के खजानों की उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों ताव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उनके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर से बारी बारी से अपनी गायें भेड़ बकरियां दास दासी रथ घोड़े सेना देश देश की प्रजा सब हो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनकी भी बाजी उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है शकुनी ने कहा। अच्छा यह सामने रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है। वह भी मेरा ही धन है इसकी बाजी लगाता हूँ। चलो मिस्टर ने दोस्त के साथ कहा। शकुनी ने कहा अच्छा तो यह बात है तो यह लीजिए आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। मिस्टर ने कहा यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है फिर भी लगाता हूँ जरूर देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दें। बोला युधिष्ठिर शायद आपके विवाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है तो उनकी बाजी उनको बाजी पर लगाएंगे नहीं। युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए तो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है उस अपने भाई अर्जुन को भी मैं दांव पर लगाता हूँ। सानी मतलब मुकाबले में ना मुकाबला। उस अगले भाई अर्जुन को भी मैं दांव में लगाता हूँ। चलो शकुनी यही तो चाहता था तो यह चला। रहते ही पासा फेंका अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दय मानव युधिष्ठिर को विवश कर रहा था। उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। पतन मतलब नाश की ओर पतन उत्थान का ओपोजिट पतन है ना। वह बोले राजन शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है आपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। यह कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा पूछा और कुछ। युधिष्ठिर ने कहा हाँ यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं तुम्हें तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तो यह जीता कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और वह बाजी भी ले गया। ठीक है इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा दी कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है इसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते। और जुए के नशे में चूं युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया पर उसका उसके प्रणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय यह मैंने क्या कर डाला। विकल मतलब बेचैन। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। धिक्कार मतलब लोग कोसने लगे।
पेज नंबर 40, वो बोले चीची कैसा घोर पाप है, कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तर बतर हो गए, पसीने से तर बतर पूरी तरह भीग गए, तर बतर पूरी तरह भीग जाना, पर बतर देखेंगे सर। सर आप तर बतर लिखेंगे, तर बतर, तर बतर पूरी तरह से भीग जाना। और तर बतर का मीनिंग पूरी तरह से भीग जाना। हाँ ठीक है। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युधिष्ठिर नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त को उठा, है ना। युधिष्ठिर का दुर्योधन का भाई था, है ना, युधिष्ठिर, ध्यान रखिए। और ठंडी हवा भर कर उसने से झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो यह बाजी भी मेरी हो रही। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। युधिष्ठिर बोले, मूर्ख नाहक, नाहक मतलब इसका कोई अर्थ ना हो, जो मृत्यु को न्योता देने चला है। मूर्ति को न्योता देने चला है, अब अपने विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को जो फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, आप अपने को हाथ रखने के बाद मृत्यु को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव में दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा, अर्थात उसका क्रोध बढ़ गया, बौखला जाना, क्रोध बढ़ना, है ना। अपने साथी दाती कामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर दाती कामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में विदुर आपको दांव में हार बैठे हैं, आप अब दुर्योधन के अधीन हो गई हो। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है, मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। दासी मतलब सेविका, है ना। साथी ने दुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। सारथी मतलब रथ चलाने वाला, जो रथ चलाता हो, सारथी। सांप रथ रथी, सांप में जो रथ चलाता है, पिटरा के लिए जाता है, वह सारथी कहलाता है। वह प्रतिकामी से बोली, रथवान जाकर उस हारने वाले जुए खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह आकर मुझे बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से यह वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर द्रोधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान है उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौट कर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झुंझला उठा, अपने भाई दुशासन ने बोला, दुशासन यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम्हें जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुशासन के लिए इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़ कर बल पूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा।
द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। कारण उसे नहीं रहा गया, वह बोला उपस्थित वीरो सुनिए, जो सबके खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बढ़ावा दिया गया था वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए इसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उनकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं वह उनके बिल्कुल विरुद्ध हैं। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा उठ गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया, शोरगुल। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रोध होकर बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हें यह बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जइयों जइयों वह खींचता गया तइयों तइयों वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। आंपता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कप कपी सी फैल गई और धीमे स्वर से बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा, उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क उठे थे। ऊंचे स्वर में वह उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों में शपथ खाकर कहता हूँ कि भीम ने द्रौपदी का अपमान पर पहली प्रतिज्ञा ये की। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो द्रौपदी के अपमान के समय भीम ने पहली प्रतिज्ञा यह की थी। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे, थर्रा उठना कांप जाना। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह धृतराष्ट्र की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, अजात शत्रु ना जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात उदार हृदय के भी हो, गुरुजन को इस विचार को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्र तक जाकर सुख पूर्वक रहो। रुद्राक्ष की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों को इस प्रकार अपने पंजे से सांप निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पूर्ण अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनकी राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह सत्य कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा इसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में अज्ञातवास में
इस एक वर्ष अज्ञात वास में यदि उसका पता लग जाएगा तो उन सबको फिर 12 वर्ष का वनवास और फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वायदे के अनुसार वन में चले गए। इस प्रकार से इस घटना के बाद बड़े ही बुरे परिणाम पांडवों को भुगतने पड़े। युधिष्ठिर के भूत जिला में शामिल होने से सर वो बुरे प्रभाव क्या क्या थे? एक बात पूछना है, भूत जिला के बहुत ही गलत परिणाम जो है उसको युधिष्ठिर को भुगतने पड़े है ना। हरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ पहला, दूसरा जो है उनको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। युधिष्ठिर का यश कीर्ति प्रतिष्ठा कम हुई, सब जगह उनका अपमान हुआ और उन्हें अपना राज्य छोड़कर 12 वर्ष तक वन में बिताना पड़ा। एक वर्ष अज्ञातवास में कठोर यातनाएं, अनेकों कष्ट सहन करने पड़े। इस प्रकार से चौसर का खेल खेलने के अनेकों दुष्परिणाम युधिष्ठिर को भुगतने पड़े। अब आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? सर अजात शत्रु मतलब इसका कोई भी शत्रु ना हो, अजात कोई भी शत्रु इसका ना हो। सर पर युधिष्ठिर के तो शत्रु थे उसके भाई दुर्योधन और ये, तो उसमें अजात शत्रु क्यों का? वो तो दूसरे ने कहा है, वो तो मतलब ना युधिष्ठिर का अजात शत्रु दूसरे ने कहा है, उसने तो कहा अजात शत्रु दुर्योधन। ओके सर, बिना किसी कारण के शत्रु बनना। सर क्या द्रौपदी भी गई थी उनके साथ 12 साल तक? सर और 13वें साल में उन्हें अज्ञातवास मिला था, जिसमें अगर कोई उन्हें देख लेता तो 12 साल का वनवास मिला। अज्ञातवास की यह स्थिति यदि उसमें वे पहचान लिए जाएंगे तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, फिर से उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वापिस मिलता। तो इस प्रकार से इस बार में जो भी क्वेश्चन अब आए हैं है ना, वो आप थोड़ा बहुत लिख लीजिए है ना। ये आपने शब्दार्थ लिख लिया होंगे ऐसा मानना है हमारा, आपने लिंक करता था उतार लीजिए इसको। इसके लिए कुछ समय हम देंगे 2-3 मिनट, फिर इसके बाद हम प्रश्नों को उत्तर प्रश्न आए वो आपको करवा देंगे है ना। आप कर लीजिए शब्दार्थ लीजिए, आपने नहीं किए तो आप बड़े आराम से लिख लेंगे है ना। ठीक है, डन सर, सभी लोग कर लीजिए। सबके हो गए क्या? सभी लोगों का यह कार्य सर शब्दार्थ नहीं सर, सर नहीं हुए, नहीं हुए तो कर लो मतलब। और अपना गूगल क्लासरूम में अपना होमवर्क भी आप देखते रहिए संस्कृत और हिंदी का, ठीक है? आराम से करिए, क्यों कहूंगी कितने प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे, तो कितने आते थे 4-5 तक होंगे, थोड़ा बड़ा है और आप छोटे ही रहेंगे उत्तर करो। हो गए आपके लिए? नहीं सर, बस थोड़ा सा बचा है। कर लीजिए आप, ऐसा कोई गलती नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। सेकंड टाइम है, इसके बाद तो आपका पीरियड नहीं है, तो 5-10 मिनट लेट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। ओके, सर एक सेकेंड।
सर हो गया, रब कर दीजिए। ठीक है, द्रौपदी के अपमान पर भीम ने क्या प्रतिज्ञा की? सर मैं इसका उत्तर बताता हूँ। भीमसेन ने द्रौपदी के अपमान पर यह प्रतिज्ञा ली कि वह 100 के 100 गौरवों का वध वही करेगा और दुर्योधन का वध वह उसकी जंघा पर वार करके करेगा और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन का वध वह उसकी छाती का वो खून उसकी छाती को फाड़ कर उसी खून से उस द्रौपदी के बाल धुलाएगा। इस प्रकार से देखिए आपका पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसका उत्तर भी लिखा गया, इसको आप लिखिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रश्न नंबर 2। वो कितने वर्ष का वनवास और कितने वर्ष का अज्ञातवास हुआ, अब कोई बताएगा इसका उत्तर?
सर 12 वर्ष का वनवास को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष हुआ था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास की क्या शर्त थी? अज्ञातवास की ये शर्त थी कि अगर वह उन्हें कोई अज्ञातवास में हस्तिनापुर का वासी देख लेता है तो उन्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें वापस भोगना होगा। कुशासन मतलब क्या होता है? कुशासन मतलब कुशासन कुशासन मतलब बुरा शासन। ओके सर। सर आगे लिखाइए। आगे कर लीजिए, पहले रख करेंगे आगे के ना चौथा प्रश्न के बाद चला जाएगा ना सर। आगे कल लिखाएंगे क्या? लिखाएंगे तुम्हारे पहला प्रश्न सब करें सर। मत लिखवाइए प्लीज, मेरा भी यही हुआ तो करो मत। मैं जर्मनी में हम पहले का रख कर दिया सर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट, पहले का मतलब मीरा कौशिक प्रेजेंट सर। नवीन कुमार मीना प्रेजेंट सर।
अज्ञातवास मतलब गुप्तवास होता है, अज्ञातवास गुप्तवास, किसी को पता ना लगे अज्ञान ऐसा बात जिसमें कोई पहचान ना सके, अनजाना, अज्ञात का अर्थ है अनजान, अज्ञान, अनजान। यह सब प्रश्न एक हो गया, प्रश्न मिटा दी, प्रश्न एक आपका हो चुका है ना, यह सब मैं दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न सही है ना, कि दूसरे प्रश्न दूसरा सवाल अपन ने एक प्रश्न और बाकी था उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है ना, एक प्रश्न और है वो चलेगा, वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतनी जगह में वहां भी जाएगा। और सर एक सेकेंड, ऊपर कहीं जाएंगे, क्यों मिटाया, ऊपर कहीं होगा, ऊपर कहीं आसमान अब क्या जाएगा, ठीक है ना, अभी वाली चीज को वहां मैंने अभी रख दिया है, सर आप प्रश्न चार तक ही लिखवाएंगे ना, बस सर एक सेकंड के लिए साइड हो ना, सर भी साइड, काम तेजा वाला आपका हो गया होगा ना, मेरा काम तो कर दिया होगा, सर एक सेकंड साइड हो ना, एक प्रश्न उठा मैंने चौथा बना सर प्लीज, ओके सर साइड भी,
जो आपके सामने लिख दी गई पॉइंट पॉइंट से बस कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। और इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आप मन में मनता है तो पूछिए शांत होगा सर। प्रश्न चार तक ही है, बस कंप्लीट हो गया, प्रश्न चार तक ही है। क्लास में आपका अटेंडेंस जो बहुत कम रहती है, सबसे बड़ी चीज ये भी है। कुमार प्रेजेंट सर इन हिंदी क्लास। नहीं ठीक है ठीक है, वो प्रेजेंट है। इसको आप लिख लीजिए, किसी प्रकार की कोई शंका है या कोई समाधान का समय भी है। यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी ऐसी बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, कोई कठिनाई है तो उसका भी निराकरण होगा। आप अपनी बात निडर होकर पूछ सकते हैं और आपकी शंका का आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। तो इस प्रकार से गूगल क्लासरूम में भी जो हमने होमवर्क क्रिएट किया है, वो होमवर्क जो है आप करें हिंदी और संस्कृत में, अपनी क्लास में देख लें हिंदी और संस्कृत में होमवर्क, यथा समय में इसको पूरा करें। पहले वाले होमवर्क में आपने कार्य नहीं किया था, अगर ऐसे ही अगर चलता रहा तो काम नहीं कर रहे तो असाइनमेंट में और आपके मार्क नहीं होंगे। हाँ बोलो सर, जो जो हिंदी का द्रौपदी का स्वयंवर के प्रश्न उत्तर कंप्लीट करें तो सर उसमें जो आप लिखवाए हैं उसी को करके भेजना है चेक करवाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ओके सर, आज की तारीख का था ये, तो संस्कृत में भी आपको दिया गया है। सर जो आप संस्कृत में जो रमाबाई पाठ वाला जो पहले दो श्लोकों को हिंदी अनुवाद लिखाए थे हमें उसी का अर्थ लिखना है। उनका अर्थ लिखना है। ओके सर, यथा समय में सही समय पे आप उसको मतलब भेज दीजिए। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ओके तो कार्य सबका कंप्लीट हो गया क्या? हो गया, गुड बिट डन। आप लोगों का कार्य कंप्लीट हो चुका होगा ऐसी हम आशा करते हैं। यस सर, डन सर। ओके, सकासी डूट डन, किसके बाद गो एंड कौन हो रहा है?
धीरे धीरे आप समय समापन का संकेत हो रहा है।